आज बनाएंगे सहजन आलू की सब्जी। सूखी बनाए या ग्रेवी वाली, दोनों ही बहुत टेस्टी लगती है। और सहजन में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो ये सब्जी तो आप 15 दिन में या हफ्ते में जरूर बनाते रहिए। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो ये सहजन की फली, इसे मुनगा की फली भी कहते हैं, पहले तो ऊपर का थोड़ा सा डंठल हटा दीजिए और फिर छोटे छोटे 1.5-2 इंच के टुकड़े बना लीजिए। एक ही फली से 10 टुकड़े बन गए। और अब इन्हें छीलिए, इनके ऊपर से जो ये हार्ड छिलके हैं वो इस तरीके से निकाल दीजिए। छीलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये इस तरह की हो जाती है। सारे पीसेस को इसी तरीके से छील लीजिए। और 3 पीसेस हमने पहले से ही काट कर छील कर ले लिए। टोटल 4 सहजन की फली ली है, वजन में 200 ग्राम। और इनके साथ के लिए 3 कच्चे आलू, वजन में 200 ग्राम। दोनों बराबर बराबर हैं, इनके भी टुकड़े कर लेते हैं। अब आइए गैस के पास, इन्हें बनाते हैं फटाफट। कढ़ाई में डाल दीजिए 2 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में डाल दीजिए 1/4 छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम धीमी रखिए। और ये आलू, आलू को 2-3 मिनट पहले कुक कर लेते हैं, इसके बाद फलियां डालेंगे, क्योंकि आलू को कुक होने में थोड़ी सी देर लगती है। 3 मिनट तक इन्हें कुक किया, एक बार चला देते हैं और फिर से ढककर 2 मिनट और कुक होने देते हैं। 2 मिनट के बाद इसे खोलिए। आलू हल्के से कुक हो गए हैं और अब इसमें डाल दीजिए ये फलियां। ये सारी सब्जी के लिए 3/4 छोटी चम्मच नमक लिया है, इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला दीजिए और 1-2 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए। इसे ढक कर अब फिर से 2-3 मिनट कुक होने दीजिए। फ्लेम लो मीडियम रखिए। तो धीरे धीरे इधर सब्जी कुक हो रही है। दूसरे चूल्हे पर हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्लेम ऑन और ये 2 बड़े चम्मच ऑयल, और गरम होने दीजिए। ऑयल गरम होने के बाद में 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए और ये 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हल्का सा भूनिए, जल्दी नहीं चाहिए। ये 1 पिंच हींग, ये 3 टमाटर, 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च, इनका पेस्ट बना लीजिए। और अब मसाले को भूनिए, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो ऑयल में जब जीरा भुन गया तब आप 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए, 4-5 लहसुन की कली छोटा छोटा काट कर डाल दीजिए और उन्हें भूनिए। और इसके बाद सारे मसाले इसी तरीके से डाल दीजिए। अगर आप इस सब्जी को बिना टमाटर के बनाना चाहते हैं, जो मसाले मैंने टमाटर में डाले हैं वो सारे मसाले आप डाल दीजिए और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दीजिए, तो बिना टमाटर वाली सब्जी बन जाएगी। अब डालिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन सब्जी का कलर अच्छा आता है इनसे। अगर आपको ज़्यादा तीखी सब्जी पसंद है तो थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल सकते हैं। हर 3-4 मिनट बाद सब्जी को चलाइए ज़रूर। इसमें पानी नहीं है, 1-2 चम्मच पानी और डाल दीजिए और ढक दीजिए। और मसाले का भी ध्यान रखिए, इसे भी चलाइए। इस तरीके से 2 बर्तनों में जब सब्जी बनाते हैं बहुत जल्दी बनती है। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके डालिए। मसाले के साथ मेथी भुन जाती है तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल अलग हो रहा है, ये भुन चला। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच नमक सब्जी में डाल दिया था, 1/4 छोटी चम्मच मसाले में डाल दीजिए टमाटर के लिए और 1/4 छोटी चम्मच गर्म मसाला। अब सब्जी को चेक कर लेते हैं, आलू को दबा कर देख लेते हैं। आलू कटने लगा, इसको भी दबा लेते हैं और देखिए ये तो बहुत जल्दी बन जाती है, हो भी ना नरम। अब इसमें ये मसाला सब्जी में डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसी कढ़ाई में लेके, और बस इसे 2-3 मिनट कुक कर लीजिए। अब आप चाहें तो इसे सूखा बना लीजिए, इसे ग्रेवी वाली बना लीजिए। मैं इसे लटपट बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और साथ में डाल दीजिए 1-2 चम्मच हरा धनिया और ढककर 2-3 मिनट कुक होने दीजिए। 3 मिनट कुक कर लिया और सब्जी बनकर एकदम तैयार है। कलर टेक्सचर बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। निकालते हैं इसे। तो वो थी हमारी लटपट सब्जी। अगर आप ये सब्जी चावल के साथ बना रहे हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाइए। मैंने सब्जी को वापस कढ़ाई में डाला
और आधा कप पानी डाल दिया और अब एक उबाल ले लेते हैं। ये हो गई ग्रेवी वाली सहजन की सब्जी। फ्लेम बंद कर दीजिए और सब्जी को निकाल लेते हैं। तो जैसी भी सब्जी आपको पसंद हो, सूखी, ग्रेवी वाली, लटपट, वैसी बना लीजिए। तो ये बन गई सहजन आलू की सब्जी। इसे आप चपाती के साथ परोसें या चावल के साथ, सभी को बहुत पसंद आएगी। और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप ही सब्जी बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।